हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पेट्स और फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमने लास्ट वीडियो में सुशांत भाई का जो बर्ड ब्रीडिंग सेटअप है वो कवर किया था। आज जो है, जैसे कि हम लोग ने बताया था सेकेंड पार्ट में, हम आपको शुगर ग्लाइडर का ब्रीडिंग सेटअप दिखाने वाले हैं। तो चलिए सुशांत भाई को बुलाते हैं और देखते हैं उनका शुगर ग्लाइडर का ब्रीडिंग सेटअप। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप लोग देख सकते हैं सुशांत भाई आ चुके हैं, और तो चलिए हम उनसे शुगर ग्लाइडर के बारे में कुछ पूछते हैं। और जैसे कि हमने आपको दो तीन वीडियो पहले सत्यादा का सेटअप जो शुगर ग्लाइडर का वो कवर करवाया था, तो उसमें भी हम लोग ने आपको शुगर ग्लाइडर दिखाया था। आप लोग को पता चल गया होगा शुगर ग्लाइडर किसे कहते हैं। तो भाई के पास भी है, कितना पेयर है आपके पास शुगर ग्लाइडर का? देखिए, अभी जो है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये 3, ये 2 5 और ये 2 7, मतलब की 7 पेयर है। लेकिन इस और ये जो केज आप देख रहे हैं और ये जो केज आप देख रहे हैं, इसमें से भी 2 बच्चे हैं इसके, तो इसमें से भी और एक पेयर निकल जाएगा मेरा। तो लगभग मान के चलिए 8 पेयर के, तकरीबन 8 पेयर है और बच्चे भी है जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो 8 पेयर तकरीबन है अभी मेरे पास फिलहाल के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये शुगर ग्लाइडर है, ये जो है ये वाइल्ड म्यूटेशन है शुगर ग्लाइडर का शायद। हाँ, ये है वाइल्ड म्यूटेशन, मतलब जो नॉर्मल कलर जो आता है शुगर ग्लाइडर्स का, तो ये है नॉर्मल कलर, फर्स्ट कलर इसका। और इसको ग्रे हम बोल सकते हैं, ब्लैक भी बोल सकते हैं, चारकोल भी आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो पेयर है ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है भैया शायद ये आपका टेम शुगर ग्लाइडर है, क्योंकि शुगर ग्लाइडर जो है वो आसानी से इतने पास आते नहीं है। नहीं, ये तो टेम तो नहीं है, लेकिन इस अभी उनका खाना का टाइम हो गया तो इसलिए अभी पास आ रहे हैं। लेकिन इनको लोगों को मैंने टेम अभी तक नहीं किया हुआ हूँ, क्योंकि ये सब ब्रीडिंग का ब्रीडिंग पेयर है, तो इसलिए मैं अभी तक उनको टेम नहीं किया हुआ हूँ। और शायद ये जो बॉक्स है उसके अंदर बच्चे भी हैं। हाँ हाँ, उसमें से 2 बच्चे हैं, और बच्चे जो है काफी बड़े भी हो चुके हैं। और ये उनको भी जब सेल्फ फीडिंग जो हो जाएंगे, सेल्फ फीडिंग अगर हो जाएंगे तो उनको मैं निकाल लूंगा। तो शुगर ग्लाइडर का जो डाइट रहता है उसमें आप लोग क्या क्या शुगर ग्लाइडर को खाने के लिए देते हैं? देखिए, शुगर ग्लाइडर के नाम जैसे आप देखते हैं शुगर ग्लाइडर, देखिए शुगर यानी कि मीठा, तो शुगर ग्लाइडर को मीठा खाना ज्यादा पसंद है। मैं जो देता हूँ, मैं इनको वेजिटेबल देता हूँ। वेजिटेबल में रहेगा गाजर रहेगा, काकड़ी रहेगा, तो कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, वो सब देता हूँ मैंने, वो आराम से खा लेते हैं। और जो है आप लोग फ्रूट में आप पपाया दे सकते हैं, एप्पल दे सकते हैं, बहुत सारे मीठा जो फ्रूट है वो भी है, वो सब भी आप लोग दे सकते हैं। और उसमें जब आप खाना देंगे उसमें थोड़ा सा अगर हनी आप ऐड कर दें तो वो बहुत ही शौक से खाते हैं, जबरदस्त खाते हैं। और ये लोग मील वर्म, सुपर वर्म जो कीड़े हैं वो भी खाते हैं, वर्म्स वगैरह है वो भी खाते हैं, लेकिन मैं नहीं देता हूँ। कोई कोई जो ब्रीडर है वो बॉइल्ड एग भी देते हैं, लेकिन मैं इनको सिर्फ वेजिटेबल या वेजिटेरियन ही रखा हुआ हूँ, क्योंकि अगर इनको नॉन वेज देंगे, मतलब मील वर्म सुपर वर्म हो गया या फिर बॉइल्ड हो गया, कोई कोई ब्रीडर जो है चिकन भी देते हैं, तो अगर नॉन वेज देंगे तो उनको डीवर्मिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं देखते हुए मैं सिर्फ इनको वेजिटेरियन ही रखा हुआ हूँ। तो ये फिलहाल के लिए अभी काफी स्वस्थ भी है और आप लोग देख सकते हैं काफी ठीक ठाक भी है। तो मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, शुगर ग्लाइडर का जो ब्रीडिंग है आपने कब से शुरू किया? मैंने तकरीबन 3 साल हो गया मेरा शुगर ग्लाइडर, 2.5 साल के ऊपर हो गया है शुगर ग्लाइडर का ब्रीडिंग। तो शुगर ग्लाइडर वैसे तो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन पहले मैं 1 पेयर लाया, फिर 2 पेयर लाया, इस तरह से मेरे पास अभी जो है आप देख रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, शुगर ग्लाइडर जो है आपने ये लोकल मार्केट से लिया था या बाहर से मंगवाया? नहीं, मैं ब्रीडर से, जैसा कि सत्यदादा जिस तरह से बोला सोहन ने, तो जो हमारे वो भाई लगेंगे, तो सत्य भाई से मैंने लिया था। तो उन्हें वो, क्योंकि वो काफी अच्छे ब्रीडर्स हैं शुगर ग्लाइडर्स के, तो उन्हीं में से मैं ही लिया था, 1 पेयर लिया था उससे, फिर दूसरी जगह से और 1 पेयर लाया, तो इस तरह से मेरा 2 ब्लड लाइन बन गया। तो इस तरह से मेरे ऑल्टरनेट करके मैं पेयर बना रहा हूँ अभी। तो आप बता रहे थे आपके पास जो है
एल्बाइनो सुगर ग्लाइडर भी है जी जी हाँ, तो पैर अभी दिखाते हैं। एल्बाइनो सुगर ग्लाइडर आया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए एल्बाइनो में बहुत सारे म्यूटेशन आते हैं, एल्बाइनो मतलब पूरा ही व्हाइट कलर का सुगर ग्लाइडर, और जो है दोस्तों एक व्हाइट सुगर ग्लाइडर के साथ एक मार्बल सुगर ग्लाइडर है, मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा, जो कि व्हाइट से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं इनको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये है एक मार्बल सुगर ग्लाइडर, और जो दूसरा आप व्हाइट देख रहे हैं ये वो है व्हाइट। तो ये एक पेयर है और ये बच्चे ही ये है अभी, ये नेक्स्ट ईयर जो है ये ब्रीड करेंगे, ये तक ये भी तकरीबन 1.5 साल के ऊपर होने से ही ये ब्रीड करते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा एल्बिनो सुगर ग्लाइडर, मेरे चैनल पे भी मैं अपलोड नहीं किया हुआ अभी तक, तो आप लोग अपडेट मिल चुका है आप लोगों को सारे। तो मेरे व्यूअर से भी अगर आप लोग देख सकते हैं तो व्हाइट के ऊपर मैं बहुत जल्द ही लाऊंगा वीडियो। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो सत्य दादा का हमने सुगर ग्लाइडर का सेटअप का जो कवर किया था वीडियो, उसमें वो थोड़ा साई फील कर रहे थे इसलिए वो सामने नहीं आए। तो काफी जो व्यूअर्स है वो लोग का मतलब वो लोग को सुगर ग्लाइडर के बारे में इतना आइडिया कुछ मिला नहीं, कुछ पता नहीं चला। तो काफी लोग जो है हमसे सुगर ग्लाइडर के प्राइस के बारे में पूछते हैं जी। तो आप शेयर कीजिए कि सुगर ग्लाइडर का प्राइस कितना, स्टार्टिंग प्राइस कितना रहता है, कितने तक जाता है, कौन से कलर का कितना प्राइस रहता है। जो मेरे नॉलेज के हिसाब से जो है मैं आपको बताऊंगा, अभी जो है नॉर्मल जो मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे उड़ीसा में, तो तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 तक आपको सुगर ग्लाइडर एक का एक पेयर आपको मिल जाएगा, जो वाइल्ड कलर रहता है उसका, वाइल्ड कलर में जो ब्लैक कलर का है वो मिल जाएगा आपको। और दूसरा जो है अल्बाइनो है जो कि ब्लैक कलर में आता है, वो आप लोग अगर खरीदने जाओगे तो तकरीबन आपको 50 से 55 या 60 तक भी कोई कोई डिमांड करेंगे एज के हिसाब से। तो यही है मतलब 55 में तकरीबन रेगुलरली मिलता था, थोड़ा सा प्राइस डाउन हुआ था 50 ऐसा हुआ था, तो आपको 50 से 60,000 तक आपको अल्बिनो सुगर ग्लाइडर जो है मिल जाएगा आपको। अच्छा, तो मैं और एक चीज पूछना चाहूंगा, सुगर ग्लाइडर का प्रॉपर ब्रीडिंग एज कौन सा है? देखिए सुगर ग्लाइडर प्रॉपर ब्रीडिंग एज अगर मैं बोलना चाहूंगा तो वो तो 2 साल ही उनका अच्छी मतलब ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे वो 1.5 साल के बाद ही ब्रीडिंग भी शुरू कर देते हैं 1.5 साल के बाद। तो सुगर, जैसे कि सबको पता है सुगर ग्लाइडर, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा ये जी, सुगर ग्लाइडर जो है वो जब मतलब वो लोग ओरिजिन नहीं, जब वो लोग ब्रीडिंग करते हैं वो लोग एक्चुअल में वो लोग मार्सुपियल्स के अंडर में आते हैं, जो जब वो ब्रीड करते हैं तो उन जैसे कंगारू भी मार्सुपियल्स में आता है, वो जब ब्रीड करता है तो उसका जो बेबी है वो पाउच के अंदर जाता है जी। तो ये लोग का भी बेबी जो है वो पाउच के अंदर जाता है। इनका जो पाउच रहता है दोस्तों, फीमेल का पाउच रहता है, मेल का नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल का पाउच रहता है। फीमेल के पाउच के अंदर 2 निपल रहते हैं, तो जब ब्रीडिंग होते हैं जो सुगर ग्लाइडर जब बच्चे निकलते हैं उसमें से बहुत ही इतना सा गेहूं जैसा या फिर धान मान के चले इस तरह से इतना छोटा बच्चा है निकलता है, मतलब पैदा होते हैं फीमेल से, तो वो बच्चे जाकर फिर पाउच में रहते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने भी मान के चलिए, तो बड़े होने तक उनको 3 महीने लग जाता है, मतलब पाउच के अंदर घूमते हैं, पाउच से अंदर ही निपल पे लगे हुए रहते हैं 3 महीने तक, और पाउच के अंदर ही वो पलते हैं। जब वो बड़े होते हैं धीरे धीरे करके पाउच से निकल के उसका जो फीमेल का पीठ पे घूमते हैं, सर के ऊपर घूमते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, और जब सेल्फ फीडिंग हो जाते हैं हम लोग इनको अलग करते हैं। तो और एक चीज पूछना चाहूंगा, सुगर ग्लाइडर का जो लीटर रहता है उसमें कितने बेबीज आते हैं? उसमें से तकरीबन 1 या फिर 2 आपको मैक्सिमम मिलता है, कोई कोई बार बोलते हैं कि 3 बार ब्रीडिंग तीन बच्चे भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास 3 बच्चे नहीं हुए हैं, मेरे पास 1 बच्चा हुआ है किस पेयर का, और किस पेयर का 2 बच्चा भी हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरफ केज में भी, यहाँ पे भी जो है एडल्ट सुगर ग्लाइडर सब है। ये कितने है इस बॉक्स के अंदर है भैया जी? ये बॉक्स के अंदर कितने सुगर ग्लाइडर्स है? ये बॉक्स में अंदर है 3 टोटल है,
ठीक है, और एक पेयर है और इसका एक बच्चा है, बच्चा जिसको है मैं जल्दी ही इसको अलग करने वाला हूँ। ये जो पेयर देख रहे हैं और इस तरह जो पेयर है उसका भी एक बच्चा है, तो ये टोटल ही एक मेल फीमेल है, तो इसको मैं एक पेयर लगा लूंगा इसको, तो इनको मैं जल्दी ही अलग करने वाला हूँ। ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक पेयर है और एक ये एक मेल है, और दूसरा जो केज है दूसरा केज पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बेबी है जो शुगर ग्लाइडर का ये बाहर आ चुका है, एक बेबी है वो। और मैं पूछना चाहता हूँ ये जो है ये इसका एज कितना है, ये जो है वो 3 महीने के ऊपर हो चुका है अभी, क्योंकि 3 महीने के बाद ही वो निकलते हैं पाउच से, अंदर पाउच के अंदर से, तो ये अभी 3 महीने के आसपास या फिर 3 महीने के थोड़ा सा ऊपर होगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था शुगर ग्लाइडर्स को लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और सुशांत भाई का भी चैनल है पेट्स प्लैनेट विद सुशांत करके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहां से भी आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा सारे एग्जॉटिक एनिमल्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आया, फिर मिलते हैं और अच्छे से वीडियो में। और एक चीज बताना चाहता हूँ, सुशांत भाई के पास पिजन्स भी है, हम पिजन्स भी दिखाएंगे, वो जो है नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो अगर आपको पिजन्स के बारे में कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।